इस पेंसिल का नाम है किंग गॉन। ये आपको कुछ इस तरह से बॉक्स में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है मैनुअल कार्ड, जिसमें पेंसिल के फीचर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं या फिर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें पेंसिल देखने को मिल जाती है जो सेम टू सेम एप्पल पेंसिल की तरह देखने को मिलती है। इसका वेट ले लो, इसका साइज ले लो, इसका डिज़ाइन ले लो, पूरी की पूरी एप्पल पेंसिल की सेकंड जनरेशन वाली देखने को मिलती है। यहाँ तो आप देख सकते हैं इसका लुक डिज़ाइन तो एप्पल पेंसिल की तरह है, लेकिन इसका काम भी पूरा की पूरा एप्पल पेंसिल की ही तरह है। अगर बात करें इस पेंसिल की, इसके अंदर हमें दो टिप देखने को मिलती हैं। अगर एक टिप ख़राब हो जाती है तो इसमें दो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, इस पेंसिल में आप एप्पल की टिप भी यूज़ कर सकते हैं और इस पेंसिल का जो मज़ा है ना वो दुगना भी कर सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपये के बजट में आप इसको ईजिली ले सकते हैं। पेंसिल की अगर मैग्नेटिक पावर की बात करें, बहुत ही कमाल की मैग्नेटिक पावर है, ईजिली अटैच हो जाती है आईपैड के साथ और गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो मैग्नेटिक पावर बहुत ही सॉलिड है। अब बात करते हैं इस पेंसिल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस पेंसिल को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एक बिना ब्लूटूथ के, एक ब्लूटूथ के साथ। पहला है, इसके पीछे एक स्विच बटन दिया गया है जिसको आपको प्रेस करना है, तो इसके पीछे जो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है। इसको आप आईपैड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें, इसके और भी एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं इस पेंसिल में जिसको आप सिर्फ ब्लूटूथ के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तो मैं बिना ब्लूटूथ के इसको चला रहा हूँ, ये अच्छी तरह से वर्क करती है। अब जैसे ही मैं दोस्तों ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ तो इस ब्लूटूथ के साथ दोस्तों ये ईजिली कनेक्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे हमें चार्जिंग स्टेटस देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ही हम इसे चार्ज कर सकते हैं वायरलेस द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पेंसिल है वो ईजिली चार्ज हो जाती है। अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करना है और सिंपली हम दोस्तों चार्ज कर सकते हैं आईपैड से ही इसी पेंसिल को, जैसे हम एप्पल पेंसिल को करते हैं। अब इसके दोस्तों और भी एडिशनल फीचर्स की बात करें, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो पीछे का जो स्विच बटन है एक बार टैप करोगे तो इसमें बैक आ जाते हैं, होम बटन पर आ जाते हैं, जो फीचर्स हमें एप्पल पेंसिल में नहीं मिलता है। आप डबल टैप करोगे तो रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही होंगी वो आपके सामने आ जाएंगे, तो यहीं से हम उसे क्लोज कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करने पर पेंसिल पे यहाँ पे हमें दोस्तों आईपैड का स्क्रीनशॉट देखने को मिला है, तो यानी कि स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। ये पेंसिल बहुत ही कमाल की है। अगर हम इसकी ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं तो ब्लूटूथ ऑफ करने पर इसके जो एडिशनल फीचर हैं टैप बार है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, ना हमें चार्जिंग स्टेटस देखने को मिलता है, ना हम इस पेंसिल को चार्ज कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ तो रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं एप्पल पेंसिल को जो फीचर्स हमें मिलते हैं वो सारे फीचर्स हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रिबल वाला है, जैसे हम कोई ड्राइंग करते हैं तो वो टेक्स्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फीचर्स भी हमें इस पेंसिल में देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। एप्पल पेंसिल में हमें लेफ्ट कर्नर और राइट कर्नर वाला फीचर्स मिलता है, वो इस पेंसिल से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट कर्नर पर स्वाइप किया तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो हो गया। इसी तरह अगर मैं राइट कॉर्नर में स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर्स हमें एप्पल पेंसिल मिलते हैं, वो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली टेस्ट की। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे अगर मैं थोड़ा फोर्सफुली करूँगा तो यहाँ पे हमें थीकनेस देखने को नहीं मिलती है जो हमें एप्पल पेंसिल में देखने को मिलती है। अगर हमें इसी थीकनेस बढ़ाना है तो हमें मैनुअल तरीके से ही अपनी थीकनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो, सर्कल बनाना चाहते हो, स्टार बनाना चाहते हो तो इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके भी ऑटोमेटिक उसी शेप में ला देता है। जो हमें एप्पल पेंसिल में मिलता है वो हमें सिर्फ 2000 रुपये वाली इस पेंसिल में भी देखने को मिलता है। ये सबसे कमाल की बात मुझे इसमें देखने को मिली है। इस पेंसिल में दोस्तों ऑलमोस्ट ड्राइंग वगैरह आप इजीली कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह करना है, फोटो एडिटिंग करना है इस पेंसिल से, तो आप इसको इजी यूज़ कर सकते हो। 2000 रुपये के बजट में आपको इतनी सारी चीज़ इसमें मिल जाती हैं जो हमें एप्पल पेंसिल 11000 रुपये में मिलती है। इसमें दो चीज़ बस हमें मिसिंग मिलती है, एक तो फोर्सफुली पर थिकनेस नहीं मिल रही है, डबल टैप पर इरेज का ऑप्शन आ जाता है तो वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट बनाते हैं, आप प्रो लेवल की ड्राइंग करते हैं, तो फिर तो भाई आपको 11900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आप एप्पल पेंसिल में रिकमेंड करूँगा वो आप ले लो। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़र, जैसे आपको नोट्स लिखना है, आपको स्क्रिप्ट लिखना है, एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, नॉर्मल ड्राइंग वगैरह करना है, तो आप 2000 रुपये में ये ले सकते हो। सब कुछ आपको मिल जाता है जो आपको एप्पल पेंसिल में देखने को मिलता है। अगर आपको यही पेंसिल अगर बाय करनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लाइटिंग डील में आपको 1800-1700 रुपये में ईजिली मिल जाती है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पेंसिल अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह और भी वीडियो देखनी है ना चैनल को सब्सक्राइब।